हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर चलिए दोस्तों, करते हैं आज का ब्लॉग शूट और दिखाते हैं आपको आज का ब्लॉग। आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हो, हम आ चुके हैं हर्बल पार्क में और आप ये देखिए चारों तरफ औषधियाँ ही औषधियाँ लगी हुई हैं, हर्बल चीज़ें लगी हुई हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। ये पूरा परिसर 250 एकड़ में फैला हुआ है। मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देखिए। पूरा विज़िट करेंगे हम और दिखाएंगे आपको कि आप क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पर। ये है विधारा, ये बताया गया है कि किस बीमारी में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है गुडमार और ये देखिए, ये है चित्रक। कुछ जड़ी बूटियाँ जहरीली हैं, कृपया हाथ न लगाएं, सही बात लिखी हुई है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो यहाँ पर हानिकारक भी हो सकती हैं। ये है इसबगोल, ये देखिए, ये लीली लगी हुई है उस साइड, लीली लिखा हुआ है, सर्पगंधा लिखा हुआ है, जोड़ तोड़ लिखा हुआ है। ये देखिए, ये भी कुछ औषधि है बट हम नहीं जानते ये क्या है। ये है लहसुन बेल, कुंडू लिखा हुआ है, दर्शी का काई लिखा हुआ है, लेमन घास है, ये अंतमूल है, गीगो है, गुड़हल है, दालचीनी उस साइड है। बहुत सारी किस्में हैं यहाँ पर, हर्बल जो औषधियाँ हैं यहाँ पर बहुत सारी हैं। ये है मोलसरी का पेड़ है ये, और ये पेड़ देखिए क्या शानदार अद्भुत। अभी बारिश हो रही है बाहर और बट मैं अभी इस पेड़ के नीचे आया हूँ तो बिल्कुल भी एक बूंद भी नहीं लग रही है मुझे। उंचटी है ये, ये पाठा है, ये दाल दलदल सरू है, अखरोट है। लो जी, अखरोट का पेड़ मैं पहली बार देख रहा हूँ लाइफ में, अखरोट। ये देखिए, ये अखरोट है का पेड़, अखरोट नहीं है वैसे लगे हुए, पेड़ है अभी ये। और कुछ है, बहुत सारी किस्में हैं। ये शातावरी है, ये जफरू थ्रिस्ता, सीताफल, वो देखिए दोस्तों, वो सीताफल का पेड़ है ये। पुराने जो नाटक होते थे टीवी में, सीरियल देखते थे तो ऋषि मुनि होते थे ना, वो सीताफल वगैरह यूज़ करते थे। वो ये है सिंधूरी रक्त पुष्पा, ये है इसके जो पत्ते हैं, अद्भुत है यार। थैंक्स जिन्होंने ये पार्क बनाया, ये लोगों का आइडिया था, बहुत ही अच्छा। होना चाहिए ऐसे पार्क बहुत सारे, हर स्टेट में होना चाहिए। तेज पत्थर है वो उस साइड। ये है बेला डोना, ये देखिए कुछ घास टाइप है, ये यूज़ आती होगी किसी इसमें बीमारी में, हर बीमारी में कुछ ना कुछ औषधि यूज़ होती है। ये है गिलोय की बेल है, ये इधर साइड गिलोय की बेल है, केरू है, वो काफ़ी हैं दोस्तों, पत्थर चट है उस साइड। अब एक एक को अगर मैं दिखाने लग गया तो कम से कम यहाँ पर ही पूरा दिन निकल जाएगा। रोसा घास है, ये की कुआर बोलते हैं इसको, ये देखिए बारिश देखिए दोस्तों, पता चल रहा होगा आपको वीडियो में, बारिश हो रही है और हम हल्के हल्के भीग भी चुके हैं बट नज़ारा आ रहा है इस मौसम में। ये है छुई मुई बूटी से होती है, वो हाथ लगाते हैं वो अपने आप बंद हो जाते हैं। ये मीठी नीम है साइड, ये है मोगरा, काफ़ी अच्छी देखभाल की हुई है, होनी भी चाहिए देखभाल दोस्तों, ये बहुत ही रेयर जड़ी बूटियां हैं यहाँ पर तो इनकी देखभाल बनती है और हमें भी देखभाल करनी चाहिए। ये पत्थर चट है, ये देखिए क्या है, केरू केरिया, इसके पेड़ मैंने काफ़ी देखे हैं बट नाम पहली बार सुना है आज। ये है मीठी नीम, ये है फिस्टल पाम, ये पेड़, ये घर पेड़ तो मेरे घर में भी लगा हुआ है वैसे बट नाम नहीं पता था मुझे अभी तक इसका क्या है। कृष्ण, ये है दोस्तों पीला बांस,
और हरिंदर जी मुझे बुला रहे हैं आगे कि ऐसे अभी टाइम लगाओगे इतना तो पूरा विज़िट नहीं हो पाएगा हमसे, हमें थोड़ा जल्दी करना चाहिए, आगे काफ़ी फैला हुआ है पार्क। मालकागनी ये देखिए बेल जा रही है कुछ, अभी नहीं पता ये बेल मागनी कागनी है या पेड़ माल कागनी है। ये देखिए हरिंदर जी लगे हुए हैं कुछ अपना फेसबुक पे लाइव हैं आई थिंक मेरे ख्याल से। ये देखिए और ये देखिए दोस्तों यह है नीम वाटिका है, और यहाँ पर जो सभी पेड़ हैं वो नीम के लगे हुए हैं दूर दूर तक, देखिए है ना कमाल की बात। वाटिका बनाई हुई है, हर पेड़ की अलग अलग वाटिका है। और इस साइड है कूचला वाटिका, अब ये कूचला मैं नहीं जानता ये कूचला किस चीज़ का पेड़ है, ये तो वाटिका बनी हुई है। मीठी नीम कड़ी पत्ता वाटिका ये देखिए, ये कड़ी पत्ता लगा हुआ है इस साइड नीचे की तरफ, ये देखिए नीम वाटिका बीच में कड़ी पत्ता वाटिका है, और ये भी कुछ लगा हुआ है, ये नाम नहीं जानता मैं क्या है। ये देखिए ये पीपल का पेड़ लगा हुआ है, अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, और इस साइड भी है कुछ अर्जुन वाटिका, ये अर्जुन के पेड़ लगे हुए हैं काफ़ी। ये देखिए दोस्तों ये जो भी वाटिका है वहाँ पर उसी किस्म के पेड़ लगाए हुए हैं, जैसे अर्जुन वाटिका है तो अर्जुन वाटिका काफ़ी पेड़ दिखाई देंगे यहाँ पर, और अगर नीम वाटिका है तो नीम वाटिका के पेड़ दिखाई देंगे। ये देखिए कितना शानदार परिसर है, हरा भरा काफ़ी एकड़ में फैला हुआ है, ये 250 एकड़ में बताया गया है, जो केयरटेकर ने हमें बताया कि 250 एकड़ में फैला हुआ है ये। और यह है तेज पत्तर, ये देखिए तेज पत्ता बोलते हैं उसको, ये वो है उसका पेड़ है, तेज पत्तर लिखा हुआ है तो तेज पत्ता बोला जाता है, जो देसी भाषा में बोलते हैं उसको तेज पत्ता। ये जामुन वाटिका, यहाँ पर आपको जामुन के पेड़ दिखाई देंगे, ये देखिए दोस्तों जो भी वाटिका है वहाँ पर उसी रिलेटेड पेड़ दिखाई देंगे आपको, जामुन वाटिका तो जामुन के, काला बांस का है तो काला बांस दिखाई देगा। बारिश काफ़ी हो चुकी है, अब काफ़ी भीग चुके हैं हम बारिश में, बट हम रुक नहीं रहे हैं कि हम वीडियो शूट कर ही रहे हैं। तेज पत्तर वाटिका ये देखिए पेड़ लगे हुए हैं तेज पत्ते के, ये सैड लगा हुआ है चांदनी, अब ये नहीं पता चांदनी है क्या चीज़ है, ये खैर लगी हुई है दोस्तों, खैर का जो बोलते हैं ना काफ़ी महंगा जो पेड़ है वो खैर का होता है, ये है वो खैर, ये पेड़ देखिए ये भी खैर के लगा हुआ है, काफ़ी महंगी आती है ये खैर लकड़ी इसकी खैर की। हर पेड़ पे कुछ ना कुछ स्टिकर लगाए हुए हैं, यहाँ पर बताया गया है दर्शाया गया है कि ये किस किस्म का पेड़ है कौन सा पेड़ है। ये है पीपल का पेड़, ओहो वाह, ये देखिए दोस्तों क्या शानदार रास्ता बना हुआ है इस साइड को, बहुत ही सुंदर रास्ता बना हुआ है, और यहाँ पर ग्रीन हाउस बना हुआ है, और देखते हैं इसके अंदर जाके आते हैं, तो फिर चलते हैं। हरिंदर जी हमसे पहले आ चुके हैं यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों लहसुन बेल, मोलसरी, गिगो, ये है डबल चांदनी। दोस्तों नाम कुछ काफ़ी अजीब से हैं, कुछ जो जड़ी बूटियां हैं उसके नाम काफ़ी अलग हैं, वो चांदनी है ये डबल चांदनी थी, थोड़ा अजीब सा लगता है ना बोलते हैं कि डबल चांदनी। ये है कंडू औषधि होगी कुछ, ये है आंवला लिखा हुआ है, ये आंवले का पेड़ है तो काफ़ी बड़े होते हैं, शायद ये छोटा पेड़ है उसका जो नर्सरी में तैयार हो रहा है। ये दोस्तों ये है शिकाकाई,
जो बालों को झड़ने से रोकता है और जो बाल काले करता है। ये कुछ और है, बेला डोना, कनेर, गोंद कथीरा। ये काफ़ी जूस पिया है दोस्तों मैंने इसका, गोंद कथीरा। कहीं हम बाहर जाते हैं गर्मी के टाइम में तो लिखा होता है गोंद कथीरा, ये है वो गोंद कथीरा जिस पे गोंद लगता होगा, ये पेड़। ये गुड़हल, ये है चमेली का पौधा। चमेली तो दिख नहीं रही है, हल्की हल्की है, छोटे छोटे पौधे हैं। कुसुम, ये कुछ और लगा हुआ है, लोकाट है। इमली, ग्रीन हाउस काफ़ी अच्छा है बना हुआ। नागदमन का पेड़ है, ये देखिए बारिश हो रही है, ऊपर से पानी भी टपक रहा है। और आपके लिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इतनी बारिश में भी हम वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं। को पता चल रहा होगा कि बाल भी गीले हो चुके हैं, हमारी शर्ट भी गीली हो चुकी है काफ़ी। ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, हल्की हल्की बारिश है, बट बारिश इतनी है कि हम भीग सकते हैं आराम से। 10 मिनट अगर खड़े हैं बाहर तो बारिश में भीग जाएंगे।